जय माता दी। मैं उस टाइम कटरा रेलवे स्टेशन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये RFID कार्ड कैसे मिल सकता है, क्योंकि यात्रा पर्ची पूरी तरह बंद हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि कटरा रेलवे स्टेशन कटरा चौक पर आपको ये कार्ड कैसे मिलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी। हाय गाइस, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें एक बार फिर से माता रानी का बुलावा आ गया है और हम लोग जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ जा रहा है मेरा बड़ा भाई, और भाई पीछे खड़ा है। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है कटरा के लिए। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं पठानकोट स्टेशन पर और यहाँ से हमारी ट्रेन है स्वराज एक्सप्रेस कटरा के लिए। और ट्रेन अपने टाइम से 10 मिनट लेट चल रही है, तो यहाँ पर 1 PM के करीब आ जाएगी और फिर हम लोग जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। हम लोग बैठ गए ट्रेन में और ट्रेन राइट टाइम पर आई है स्टेशन पर, और अभी हम लोग जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। गाइस, मैं अभी पहुंच गया हूं कटरा स्टेशन पर और अभी RFID कार्ड लेने जाएंगे कटरा स्टेशन पर, और उसके बाद हम लोग जाएंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोगों ने डोरमेट्री की बुकिंग करवाई है भवन पर, तो उसकी स्लिप वहां से मिलनी है, तो उसको लेने जाएंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स। कटरा रेलवे स्टेशन पर जहाँ से आपको पहले यात्रा पर्ची मिलती थी, वहीं से आपको RFID कार्ड मिलना है। ये जो हमें RFID कार्ड मिला श्राइन बोर्ड की तरफ से, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और इनका हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, और पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं इसको। और ये कार्ड हमें बिल्कुल ही फ्री मिला यहाँ पर। गाइस, अभी हम लोगों ने निहारिका कॉम्प्लेक्स से डोरमेट्री की स्लिप ली है। हमने भवन पर डोरमेट्री की बुकिंग करवाई थी, तो इसके चार्जेस है पर बेड 120 रुपीज़। निहारिका कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे रूम हैं अलग अलग बजट में, आप यहाँ से प्राइस देखकर ऑनलाइन या डायरेक्टली यहाँ पर आकर बुकिंग करवा सकते हैं। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शनी गेट की ओर और इस टाइम इवनिंग का टाइम हुआ है 6:20 PM। गाइस, हम लोगों ने दर्शनी गेट क्रॉस कर लिया और ऑफिशियली श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो बात कर लेते हैं, अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या माध्यम है जिससे आप ऊपर पहुंच सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आपके पास खच्चर है, बच्चों के लिए प्रैम है, बड़ों के लिए पालकी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर है। इन सब की कॉस्ट हमने अधिकारी तक या फिर डायरेक्टली ऊपर जाने तक मेंशन कर दी है, आप अपने कन्वेंस के हिसाब से ले सकते हैं। इस बार हम अपनी यात्रा पुराने मार्ग से कर रहे हैं, अगर आपने नए मार्ग से यात्रा करनी है तो इस साइड से जा सकते हैं आप, ये ताराकोट मार्ग है। पिछले मंथ हमने भी ताराकोट मार्ग से यात्रा की थी, अगर आपने देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
फिलहाल हम पहुंच गए बाणगंगा। और बाणगंगा की कहानी यह है कि ऐसा बोला जाता है कि माता जी ने यहाँ पर तीर चलाकर पानी निकाला था जब उनके साथ हनुमान जी थे जिनको बहुत ही प्यास लगी थी और माता जी ने अपने केशों को भी यहाँ धोया था। अभी हम लोग पहुंच गए चरण पादुका मंदिर और यहाँ की कहानी यह है कि यहाँ पर माता ने आकर पलटकर देखा था कि उनका पीछा भैरव कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनके पैरों के चिन्ह जहाँ पड़ गए, इसलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका मंदिर है। वैसे अगर आप लोग भी यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको फूड कैरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप है खाने पीने की। गाइस हम लोग शेर में आ गए हैं और इस बार हम लोगों ने सोचा था कि शेर का यूज नहीं करना, बट हम लोगों को जल्दी पहुंचना है भवन पर तो हम शेर का यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी में और अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी जी ने 9 महीने तक कन्या रूप में तपस्या की थी गर्भजून गुफा में। अर्धकुंवारी में आपको फ्री लॉकर मिल जाएगा। आपको बता दें अर्धकुंवारी में भगवती भवन है, यहाँ पर रहने की अकोमोडेशन होती है पर ये जनरली फुल चल रहा है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने शैलपुत्री भवन में रुकना है तो आप इसकी बुकिंग नीचे निहारिका भवन से या फिर ऑनलाइन www.maavaishnodevi.org से करवा के आएँ। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी भवन में और टाइम हो चुका है इस टाइम 10 PM और आपको ये वाले रास्ते से जाना है। ये बिल्कुल इजी रास्ता है, प्लेन रास्ता है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं वो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, वो काफ़ी टफ रास्ता है, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो जब भी आप आएँ तो इस रास्ते से जाइए। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अर्धकुंवारी से भवन की ओर बाया हिमकोटी मार्ग। टोटल ट्रैक डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो जल्दी से कवर करते हैं इसको। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हिमकोटी में। अर्धकुंवारी के बाद आपको यहाँ पर श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाने पीने के लिए और इस साइड डोसा पॉइंट भी है। जो डोसा लवर है यहाँ से डोसा खा सकते हैं, 40 रुपीज़ में डोसा मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। गाइस हमें माता रानी के भवन के फर्स्ट दर्शन हो गए हैं तो अभी जल्दी से चलते हैं माता रानी के भवन पर।
कृष्णा सिंह लो। गाइस हम लोग पहुंच गए भवन पर और अभी टाइम हुआ 11:55 नाइट के, तो अभी हम लोग जाएंगे मनोकामना भवन पर, वहां पर हमारे बेड की बुकिंग है, तो अभी चलते हैं मनोकामना भवन। गाइस मैं आ गए रूम पर और यहाँ पर हमने डोरमेट्री की बुकिंग करवाई थी 2 बेड की। सो अगर आप लोगों ने भी यहाँ पर बुकिंग करवानी हो तो www.maavaishnodevi.org से करवा सकते हैं या फिर नीचे निहारिका कॉम्प्लेक्स से करवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे रूम हैं अलग अलग बजट में, आप अपने बजट के हिसाब से करवा सकते हैं यहाँ पर बुकिंग। गाइस मैं अभी आ रहा हूँ दर्शन के लिए VIP पास लेने रूम नंबर 8 में, और आज सैटरडे तो आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। गाइस मेरे को VIP पास की स्लिप मिल गई है और अभी मैं जा रहा हूँ रूम पर और वहाँ पर नहाने के बाद चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। गाइस अभी 4 डे पहले नवरात्रे फिनिश हुए हैं और माता रानी के भवन पर नवरात्रों में काफ़ी ज़्यादा सजावट देखने को मिलती है, तो चलिए हम भी साइड चलते हैं सजावट देखने। गाइस अभी चलते हैं हम अपने रूम पर क्योंकि भाई वेट कर रहा है और हमने माता रानी के दर्शन करने भी जाना है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने माता रानी के दरबार, और मैं आपको बता दूं कि आप वहां पर बेल्ट पर्स बैग फोन कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, तो आपको अभी हम वापिस आके मिलते हैं। अभी टाइम हुआ 3:45 और मैं गेट नंबर 2 से माता रानी के दर्शन कर वापस आ गया हूँ अपने रूम पर। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अपने साथ विंटर क्लोथ सर्दियों के कपड़े जरूर लेकर आना, क्योंकि भवन पर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ठंड हो गई है। और अभी मैं चलता हूँ अपने रूम पर और सुबह चलेंगे हम भैरव बाबा के दर्शन कर। अभी टाइम हुआ 7:44 और भवन पर हो रही है आरती और मेरे पीछे माता रानी के दरबार का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और हम लोगों ने अपनी यात्रा फिर से कंटिन्यू कर दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं भवन से भैरव बाबा की। भवन से भैरव बाबा जाने के लिए रोड भी चलती है जिसके अप एंड डाउन चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। ये मॉर्निंग 7 AM से 5 PM तक चलती है। गाइस आज भवन पर इतना ज़्यादा रश है कि भैरव बाबा वाले मार्ग पर भी माता रानी के दर्शन करने वाली लाइन लगी हुई है। गाइस अभी हम लोगों ने ली है 351 सीढ़ियाँ, तो इस बार सोचा था हम लोगों ने कि सीढ़ियाँ नहीं लेनी, बट हम लोगों को जल्दी जाना कटरा क्योंकि हमारी ट्रेन है वहाँ से।
गाइस टाइम हुआ है 8:35 और हम लोग पहुंच गए हैं भैरव मंदिर। तो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। गाइस अभी टाइम हुआ है 8:55 और हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आ गए हैं। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लोग माता वैष्णो देवी पर आए हैं और भैरव बाबा पर नहीं आते तो आपकी जो यात्रा अनकम्प्लीट मानी जाती है। तो हमारी जो यात्रा इस टाइम कम्प्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग थोड़ी देर यूट्यूब चैनल से लाइव होंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे कटरा दर्शनी गेट की ओर। अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा से नीचे दर्शनी गेट की ओर कटरा। तो जल्दी जल्दी हम रास्ता कवर करते हैं और चलते हैं नीचे कटरा। अभी टाइम हुआ 10:30 और हम लोग अर्धकुंवारी से थोड़ा सा पीछे हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फोग पड़ी है कि क्या ही बोलूँ। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम यहाँ पर। फिलहाल हम पहुंच गए अर्धकुंवारी वापसी में लौटते टाइम और अर्धकुंवारी भवन पर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फोग पड़ी हुई है। ऐसे भी टाइम 11:40 और भूख भी लगी है तो अभी हम चलते हैं कहीं पर ब्रेकफास्ट करने। गाइस अपना खाना हो गया फिनिश तो अभी हम जल्दी से चलते हैं दर्शनी गेट की ओर कटरा। जब आपकी यात्रा पूरी तरह संपूर्ण हो जाए कंप्लीट हो जाए तो आपको ये RFID कार्ड श्राइन बोर्ड को रिटर्न कर देना है क्योंकि श्राइन बोर्ड को इसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ पर कार्ड पड़ी है और श्राइन बोर्ड ने हमें ये बिल्कुल ही फ्री दिया हुआ है। तो जाते टाइम इस कार्ड को रिटर्न कर देना है। हमारी यात्रा इस टाइम कम्प्लीट हो चुकी है और अभी हम अपना RFID कार्ड श्राइन बोर्ड को रिटर्न कर रहे हैं। गाइस हम लोग दर्शन कर वापस आ गए दर्शनी गेट पर। इस साल की हमारी ये तीसरी यात्रा है। इस बार हमने अपनी यात्रा पुराने मार्ग से की थी चरण पादुका मार्ग से और अर्धकुंवारी से हमने लिया था हेमकूट मार्ग। अगर आपने नया मार्ग ताराकोट की यात्रा देखनी है तो हमारे चैनल पर अगस्त मंथ की यात्रा देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी। बाय बाय।